जय महेश में अरुण कुमार कल्याणी, पूर्व मैसूरी विचार मंच का एडमिन, आज मैसूरी विचार मंच के चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, मैसूरी विचार मंच की कोशिश रही है कि समय के साथ हो रहे बदलावों का सकारात्मक पहलू आपके साथ साझा करें। आज के इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष विवाह शादी के निमंत्रण पत्र और अतिथियों की संख्या के ऊपर मैं बात करूंगा। साथियों, हम सबकी कोशिश होती है कि विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो, यादगार बने। अतः इसकी शुरुआत होती है कुमकुम पत्रिका से। आजकल देखा जा रहा है कि काफी महंगी कुमकुम पत्रिका बड़ी साइज में काफी बड़ी प्रचलित है, जबकि इसका उद्देश्य एकमात्र शादी में शरीक होने के लिए निमंत्रण देने तक का है। अतः हमें साधारण, सस्ती परंतु आकर्षक निमंत्रण पत्रिका ही व्यवहार करनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं समारोह में अतिथियों की संख्या। बंधुओं, शादी समारोह दो परिवारों का मधुर संबंध स्थापित करने का एक अवसर है, एक उत्सव है। इसे हमें पारिवारिक उत्सव बनाना चाहिए, न कि सार्वजनिक। शादी विवाह का मांगलिक अवसर पर हमारे भाई बंधु, भाई पे, रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों को एक जाजम पर लाने का सुअवसर है। शादी समारोह में इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों, पारिवारिक सदस्यों के अलावा अभी हम व्यापारिक, सामाजिक जीवन में जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करते आ रहे हैं, और आमंत्रित करने वाला व्यक्ति वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्ष के ही सभी के स्वागत के अंदर गेट के ऊपर में प्रतीक्षा में वहां पे खड़े रहते हैं। पूरे स्वागत समारोह का जो समय होता है 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का, उस समय वो वहां पे खड़े रहते हैं। न तो वो सुबह आनंद ले पाते हैं और न ही अपने पुराने सगे संबंधियों के साथ नए होने वाले साथ जी और उनके रिश्तेदारों के साथ परस्पर अपने रिश्तेदारों का और उनका या स्वयं का एक घनिष्ठता, एक संपर्क स्थापित करने से वंचित रह जाते हैं। अतः हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि शादी समारोह, विशेषकर शादी समारोह वाला दिन हमारा निजता का हो, हमारा इष्ट मित्रों के साथ में हो, हमारे कुटुंब वालों के साथ में हो, हमारा पारिवारिक हो, हमारे सगे संबंधियों के बीच में हो, न कि हमारे व्यवसायिक, हमारे सार्वजनिक जीवन के और जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उनके साथ में हो। हाँ, कुछ गिने चुने हुए समाजजनों को जरूर आमंत्रित करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट बना ली और उनके स्वागत के अंदर ही हम अपना पूरा समय जाया करते। अगर ऐसा करेंगे तो जैसा कि आजकल हम देखते हैं
कि जो आते हैं स्वागत समारोह के अंदर, वो लोग तो वर वधु को आशीर्वाद देने तक वहां पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। जिनसे मिलने के लिए, जहां पे हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, वहां पे हाजिरी लगाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही चले जाते हैं। यहां पे आपके मधुर संबंध, आपकी यादें कहां पे रहेगी, जरा सोचिए। अगर यही हमारे ये पल को अगर हम अपने निजी बना दें, अपने पारिवारिक बना दें, तो हमारे जो रिश्तेदार कभी कभी ही हमको मिलते हैं, कभी कभी ही हमारे पास में आते हैं, उनको अगर हम अपने नए रिश्तेदारों के साथ में मिला देंगे, उनके साथ के अंदर एक संबंध स्थापित करवा देंगे, एक आत्मीयता को जगा देंगे, तो वो पल, वो समारोह, वो उत्सव हमारे लिए कितना आनंदित होगा। अतः बंधुओं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि शादी विवाह के अंदर हमें सीमित संख्या के अंदर, विशेषकर परिवार के बंधु बांधव के साथ में, हमारे रिश्तेदारों के साथ में, हमारे इष्ट मित्रों के साथ इस उत्सव को मनाएं और शादी विवाह का आनंद लेवे। आशा करता हूं कि आप सब भविष्य के अंदर मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे और विवाह समारोह निजी और पारिवारिक रूप से ही मनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने सीमित संख्या के अंदर अगर बुलाते हैं मेहमानों को तो वो सामाजिक नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह से शादी विवाह करते हैं तो आपका निजी और पारिवारिक ही एक समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह के आयोजन करके आप अपने जीवन में उस समारोह की स्मृति हमेशा के लिए जीवंत रख पाएंगे और आनंद महसूस करेंगे। धन्यवाद। जय महेश।